शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है किसी वक्त काफी लोग आरजू करेंगे कि ए काश वो मुसलमान होते ए नबी उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा पी लें और फायदे उठाएं और लंबी-लंबी आरजुएं उनको दुनिया में मशगूल किए रखें। आखिरकार उनको इसका इंजाम मालूम हो जाएगा और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मुकर लिखा हुआ था कोई उम्मत अपनी मुद्दते मकर्र से ना आगे निकल सकती है और ना पीछे रह सकती है और कुफार कहते हैं कि जिस पर नसीहत की किताब नाजुल हुई है तू तो दीवाना है अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता कह दो हम फरिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक के साथ और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलेगी बेशक ये किताब नसीहत हमी ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगेबान हैं और हमने तुमसे पहले के मुख्तलिफ ग्रहों में भी पैगंबर भेजे थे और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ हंसी करते थे इसी तरह हम इस गुस्ताखी को गुनेगारों के दिलों में डाले रखते हैं सो वो उस पर ईमान नहीं लाते और पहले लोगों की रवश भी यही रही है और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगें तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं, और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया है और हर शैतान मरदूत महफूज कर दिया है हाँ अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिया और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए और हमारे यहाँ हर चीज के ख़जाने हैं और हम उसको बमकदार मुनासब उतारते रहते हैं और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं सो हम आसमान से मी बरसाते हैं फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम तो उसका ख़जाना नहीं रखते और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस होंगे और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है और तुम्हारा परवदिगार क्यामत के दिन उन सबको जमा करेगा वो बड़ा दाना है ख़बरदार है और हमने इंसान को खन खनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्हों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था और वो वक्त ज़िक्र है, जब तुम्हारे परवर्दीगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूँ दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी तरफ से रूप फूंक दूँ, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना चुनाचे फरिश्ते तो सब सबके सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान के उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया फरमाया ए इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसको तू ने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ फरमाया यहाँ से निकल जा कि अब तू मरदूद है और तुझ पर क्यामत के दिन तक लानत बरसेगी उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहल दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे फरमाया अच्छा सो तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुक्रर यानी क्यामत के दिन तक उसने कहा कि परवरदिगार जैसा तूने मुझे भटका दिया है मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ उनमें से जो तेरे खास बंदे हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है जो मेरे ख़ास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं के उनको गुनाह में डाल सके हाँ बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े और उन सब के वादों की जगह जहन्नुम है उसके सात दरवाजे हैं हर एक दरवाजे के लिए उनमें से अलग अलग हिस्सा है जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे उनसे कहा जाएगा कि उनमें सलामती और अमनों इत्मीनान से दाखिल हो जाओ और उनके दिलों में जो कुर्दूरत होगी हम उसको निकाल देंगे गोया भाई भाई मसनदों पर एक दूसरे के सामने बैठे हों, ना उनको वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना वो वहां से निकाले जाएंगे ए पैगंबर, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान हूं और ये कि मेरा अजाब भी दर्द देने वाला अजाब है और उनको इब्राहिम के मेहमानों का अहवाल सुना दो जब वो इब्राहिम के पास आए तो सलाम कहा उन्होंने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है मेहमानों ने कहा कि डर ये नहीं हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं वो बोले कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे अब काहे की खुशखबरी देते हो उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं सो आप मायूस ना हो इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो गुमराहों का काम है फिर कहने लगे कि फ़रिश्तो तुम्हारा असल काम क्या है उन्होंने कहा कि हम एक गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उसको आजाब करें मगर लूत के घर वाले के उन सब को हम बचा लेंगे अलबत् उनकी बीवी के उसके लिए हमने ठहरा दिया है कि वो पीछे रह जाएगी फिर जब फरिश्ते लूत के घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो ना आशना से लोग हो वो बोले कि नहीं बल्कि हम आपके पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते थे और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और हम सच कहते हैं तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकले और ख़ुद उनके पीछे चलें और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी और अले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा ना करना और अल्लाह से डरो और मेरी बे ना करो वो बोले क्या हमने तुमको सारे जहाँ की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं इनसे शादी कर लो ए नबी तुम्हारी जान की कसम वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा और हमने उन बस्तियों को उल्ट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर कंघर की पत्थरियाँ बरसाई बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है और वो बस्तियाँ अब तक शाम जाने वाले सीधे रस्ते पर मौजूद हैं बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है और बन के रहने वाले यानी कौमी शोब के लोग भी गुनेगार थे तो हमने उनसे भी बदला लिया और ये दोनों शहर खुले रस्ते पर मौजूद हैं और वादी हिजर के रहने वालों ने भी पैगम्बर की तकसीब की हमने उनको अपनी निशानियाँ दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमनो इत्मीनान से रहेंगे और आखिर जोरदार आवाज ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकत उनमें है सबको तदबीर के साथ पैदा किया है और क्यामत तो जरूर आकर रहेगी तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही सब कुछ पैदा करने वाला है जानने वाला है और हमने तुमको साथ आयते जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती है यानी सूर्य अलहमद और अजमत वाला कलाम अता फरमाया है हमने कुफार की कई जमातों को जिनको फवायद दुनियावी से नवाजा है तुम उनकी तरफ रगबत से आंख उठाकर ना देखना और ना उनके हाल पर रंजो गम करना और ममनों के साथ तोज़ों से पेश आना और कह दो कि मैं तो इलानिया डर सुनाने वाला हूँ और हम इन कुफार पर इसी तरह अजाब नाजल करेंगे जिस तरह इन लोगों पर नाजल किया जिन्होंने तकसीम कर दिया यानी कुरान को कुछ मानने और कुछ ना मानने से टुकड़े टुकड़े कर डाला सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम हम उनसे ज़रूर पुरस्श करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे बस जो हुक्म तुमको अल्लाह की तरफ से मिला है वो लोगों को बेधड़क सुना दो और मुशरकों का ज़रा ख़्याल ना करो हम तुम्हें उन लोगों के शर से बचाने के लिए काफ़ी हैं जो तुमसे हंसी करते हैं जो अल्लाह के साथ कोई और माबूद करार देते हैं सो अनकरीब उनको उन बातों का इंजाम मालूम हो जाएगा और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है तो तुम अपने परवरदिगार की तस्वीर कहते और उसकी खूबियाँ बयान करते रहो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने परवरदिगार की इबादत किए जाओ यहाँ तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए नहल शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है अल्लाह का हुक्म यानी आजाब गोया आ ही पहुंचा तो काफ्रो इसके लिए जल्दी मत करो और ये लोग जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं वो उससे पाक और बाला तर है वही फरिश्तों को पैगाम देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है भेजता है कि लोगों को बता दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मुझ ही से डरो उसी ने आसमानों और ज़मीन को हमत से पैदा किया उसकी ज़ात इन काफरों के शर से बुलंदो बरतर है उसी ने इंसान को नुतफे से बनाया मगर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया और मवेशियों को भी उसी ने पैदा किया उनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाओ और बहुत से दूसरे फायदे हैं और उनमें से बास को तुम खाते भी हो और जब शाम को उन्हें जंगल से लाते हो और जब सुबह को जंगल चराने ले जाते हो तो उनसे तुम्हारी इज्जत और शान का इजहार होता है और दूर दराज शहरों में जहाँ तुम सख्त मेहनत के बगैर पहुँच नहीं सकते वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफकत वाला है मेहरबान है और उसी ने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारे लिए रौनक जीनत भी हैं और वो और चीज़ें भी पैदा करता है जिनकी तुमको खबर नहीं और सीधा रास्ता तो अल्लाह तक जा पहुँचता है और बाज़ रस्ते टेढ़े हैं और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो और उससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो उसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और दूसरे बेशुमार दरख्त उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है गौर करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया और सुई के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं और जो तरह तरह के रंगों की चीज़ें उसने ज़मीन में पैदा किं सब तुम्हारे ज़ेर फरमान कर दी नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानी है और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताज़ा गोश्त निकाल कर खाओ और उससे जेवर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो और तुम देखते हो कि कश्तियाँ ज़मीन में पानी को को चली जाती हैं और इसलिए भी के समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम अल्लाह का फसल हासिल करो और ताकि उसका शुक्र करो और उसी ने जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं डोलने ना लगे और नदियां रस्ते बना दिए ताकि एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक आसानी से जा सको और रस्तों में निशानात बना दिए और लोग सितारों से भी रस्ते मालूम करते हैं तो जो इतनी मखलूक पैदा करे क्या वो इस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा ना कर सके तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन ना सको अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है और जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो सब से अल्लाह वाकिफ है और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज़ भी तो नहीं बना सकते बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं वो तो मुर्दा हैं बेजान उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे लोगों तुम्हारा मबूद तो एक ही मबूद है सो जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और सरकश हो रहे हैं ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता और जब इन काफरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है तो कहते हैं पहले लोगों की हकयतें ए पैगम्बर इनको बकने दो ये क्यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे हैं, हैं। थीं। तो अल्लाह का हुक्म उनकी अमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी और ऐसी तरफ से उन पर आजाब अवा क्या हुआ जहां से उनको ख्याल भी ना था फिर वो उनको क़्यामत के दिन भी जलील करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि आज काफरों की रसवाई और बुराई है उनका हाल ये है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करने लगते हैं जबकि ये अपने ही हक में जुल्म करने वाले होते हैं तो मती और फर्मा बरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते थे हाँ जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह उसे खूब जानता है सो दोज के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ हमेशा उसमें रहोगे अब तकबूर करने वालों का बुरा ठिकाना है और जब परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजल किया है तो कहते हैं कि बेहतरीन कलाम जो लोग नेकूकार हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखरत का घर तो बहुत ही अच्छा है और परहेजगारों का घर बहुत खूब है वो बहिश्ते जादवानी जिनमें वो दाखिल होंगे उनके नीचे नहरें बह रही हैं वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए मैसर होगा अल्लाह परहेजगारों को ऐसा ही बदला देता है उनकी कैफियत ये है कि जब फरिश्ते उनकी जाने निकालने लगते हैं और ये कुफर शिरक से पाक होते हैं तो सलामकुम कहते हैं और कहते हैं कि जो अमल तुम किया करते थे उनके बदले में में दाखल हो जाओ क्या ये काफिर इस बात के आजाब आ पहुंचे इसी तरह उन लोगों ने किया था जो इनसे पहले थे और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करते थे तो उनको उनके अमाल के बुरे बदले मिले और जिस चीज के साथ वो ठट्ठे किया करते थे उसने उनको हर तरफ से घेर लिया और मुशरक़ कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम ही उसके सिवा किसी चीज़ को पूछते और ना हमारे बड़े ही पूछते और ना उसके फरमान के बग़ैर हम किसी चीज़ को हराम ठहराते ए पैगंबर इसी तरह इनसे अगले लोगों ने किया था तो पैगंबरों के ज़िमे अल्लाह के अहकाम को खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं और हमने हर उम्मत में कोई पैगम्बर भेजा के अल्ला ही की इबादत करो और तो की परस्तिश से इज्तिनाब करो तो उनमें बाज़ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और बाज़ ऐसे हैं जिन पर गुमराह साबित हुई सो जमीन में चल फिर कर देख लो के झुटलाने वालों का इंजाम कैसा हुआ अगर तुम इन कुफार की हिदायत के लिए बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको वो हिदायत नहीं दिया करता और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं होता और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे ज़िंदा करके नहीं उठाएगा क्यों नहीं ये अल्लाह का वादा सच्चा है और उसका पूरा करना उसे ज़रूर है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते ताकि जिन बातों में ये इख्तलाफ करते हैं वो इन पर जाहिर कर दे और इसलिए कि काफी जान लें कि वो झूठे थे जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारी बात यही होती है कि उसको कह देते हैं कि हो जा तो वो हो जाती है और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखरत का अजर तो बहुत बड़ा है काश वो इसे जानते यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं हम और हमने तुमसे पहले मर्दों ही को पैगंबर बनाकर भेजा था जिनकी तरफ हम वही भेजा करते थे अगर तुम लोग नहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो और उन पैगम्बरों को दलीलें और किताबें देकर भेजा था और हमने तुम पर भी ये किताब नाजल की है ताकि जो इर्शादात लोगों पर नाजल हुए हैं वो उन पर जाहिर कर दो और ताकि वो गौर करें अब क्या जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं इस बात से बेखौफ़ हैं कि अल्लाह उनको ज़मीन में धसा दे या ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ जाए जहां से उनको खबर ही ना हो या उनको चलते फिरते पकड़ ले तो वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते या जब उनको अजाब का डर पैदा हो गया हो तो उनको पकड़ ले बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफकत करने वाला है मेहरबान है क्या उन लोगों ने अल्लाह की मखलूक़ात में से ऐसी चीज़ें नहीं देखी जिनके साए दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को लौटते रहते हैं यानी अल्लाह के आगे आजिज़ी से सजदे की हालत में रहते हैं और तमाम जानदार जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं सब अल्लाह के आगे सजदे करते हैं और फरिश्ते भी और वो जरा गरूर नहीं करते और अपने परवरदिगार से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो उनको इर्शाद होता है उस पर अमल करते हैं और अल्लाह ने फरमाया है कि दो दो माबूद ना बनाओ माबूद तो वही एक है सोए बंदो मुझी से डरते रहो और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है उसी की इबादत लाजम है तो तुम अल्लाह के सिवा औरों से क्यों डरते हो और जो नेमते तुमको मैसर हैं सब अल्लाह की तरफ से हैं फिर जब तुमको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसी के आगे फरियाद करते हो फिर जब वो तुमसे तकलीफ़ को दूर कर देता है तो कुछ लोग तुम में से अल्लाह के साथ शरीक करने लगते हैं ताकि जो नेमते हमने उनको अता फरमाई हैं उनकी नाशिक्री करें तो मुशरको दुनिया में फ़ायदे उठा लो फिर अनकरीब तुमको इसका इंजाम मालूम हो जाएगा और हमारे दिए हुए माल में से ऐसी चीज़ों का हिस्सा मुकर करते हैं जिनको जानते ही नहीं काफ्रो अल्ला की कसम के जो तुम झूठ बांधा करते हो उसकी तुमसे ज़रूर पुरस्श होगी और ये लोग अल्लाह के लिए तो बेटियां तजवीज़ करते हैं वो पाक है और अपने लिए बेटे जो मरगूब व दिल पसंद हैं और जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है और उस खबरें बद के सबब जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है सोचता है कि आया ज़िल्त बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या ज़मीन में गाड़ दे। देखो ये जो तजवीज़ करते हैं बहुत बुरी है जो लोग आख़रत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए बुरी मिसाल है और अल्लाह को सिफ्त आला जेब देती है और वो गालिब है हिकमत वाला है और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को ज़मीन पर ना छोड़े लेकिन इनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी ना पीछे रह सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं और ये अल्लाह के लिए ऐसी चीज़ें तजवीज़ करते हैं जिनको खुद ना पसंद करते हैं और ज़बान से झूठ बके जाते हैं ये उनको क़्यामत के दिन भलाई यानी निजात होगी कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोजख की आग तैयार है और ये दोजख में सबसे आगे भेजे जाएंगे अल्लाह की कसम हमने तुमसे पहली उमतों की तरफ भी पैगंबर भेजे तो शैतान ने उनके करतूत उनको आरासा कर दिखाए तो आज भी वही इनका दोस्त है और इनके लिए अजाब अलीम है और हमने जो तुम पर किताब नाजिल की है तो इसलिए कि जिस बात में इन लोगों को इख्तलाफ है तुम उनका फ़ैसला कर दो और ये मोमनों के लिए हिदायत और रहमत है और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा किया बेशक इसमें सुनने वालों के लिए निशानी है और तुम्हारे लिए चौपायों में भी मुकाम इबर तो गौर है कि उनके पेटों में जो गोबर और लहू है उसके दरमियान से निकाल कर हम तुमको खालिश दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीज़ें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उन्दा रिस्क खाते हो जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में निशानी है और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इर्शाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना फिर हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया फिर वही तुमको मौत देता है और तुम में बाज ऐसे होते हैं कि निहायत खराब उम्र को पहुंच जाते हैं ताकि बहुत कुछ जानने के बाद हर चीज से बेइल्म हो जाए बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है कुदरत वाला है और अल्लाह ने रिस्क को दौलत में बास को बास पर फजीलत दी है तो जिन लोगों को फजीलत दी है वो अपना रिस्क अपने गुलामों को तो दे डालने वाले हैं नहीं कि सब उसमें बराबर हो जाएं, तो क्या ये लोग नमत इलाही के मुनकर हैं और अल्लाह ही ने तुम में से तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की, और बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और खाने को तुम्हें पाकिजा चीज़ें दी तो क्या ये लोग बातल पर इतकाद रखते और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं और अल्ला के सिवा ज़रा भी इख्तियार नहीं रखते और ना किसी और तरह का मकदूर रखते हैं तो लोगों अल्लाह के लिए गलत मिसालें ना बनाओ बेश जानता है और तुम नहीं जानते अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है के एक ग़ुलाम है जो बिल्कुल दूसरे के इख्तियार में है और किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता और एक ऐसा शख्स है जिसको हमने अपने यहाँ से बहुत सा माल तैयब अता फरमाया है और वो उसमें से रात और दिन पोशीदा और जाहिर खर्च करता रहता है तो क्या ये दोनों शख्स बराबर हैं हरगिज़ नहीं अलहदुल्ल लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझ सकते और अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि दो आदमी है एक उनमें से गूंगा और किसी का गुलाम है बेअ्तियार नातवा कि और जहाँ भेजता है और लोगों को इंसाफ करने का हुक्म देता है और खुद सीधे रस्ते पर चल रहा है दोनों बराबर हो सकते है और आसमानों और जमीन का भेद अल्लाह ही के पास है और अल्लाह के नजदीक मत का आना यूं है जैसे आंख का झपकना बल्कि उससे भी जल्द तर कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओ के शिकम से पैदा किया इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे और उसने तुमको कान और आंखें और दिल और इसके अलावा और आजा बख्शे ताकि तुम शुक्र करो क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं इनको अल्लाह ही थामे रखता है ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया और उसी ने चपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए जिनको तुम हल्का-फुल्का देखकर सफर और हिज्र में काम में लाते हो और उनकी ऊन उन और रेशम और बालों से तुम असबाब और बर्तन की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती हैं और अल्लाह ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीजों के साए बनाए और पहाड़ों में गार बनाए और तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुमको गर्मी से बचाएं और ऐसे कुर्ते भी जो तुमको असला जंग के जर से महफूज रखें, इसी तरह अल्लाह अपना एहसान करता है पहुंचा देना है ये अल्लाह की नियमतों से वाकिफ है मगर वाकिफ होकर उनसे इनकार करते हैं और ये अक्सर ना शुक्र है और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह यानी पैगम्बर को खड़ा करेंगे फिर ना तो कुफ्वार को बोलने की इजाजत मिलेगी और ना उनके उजर कबूल किए जाएंगे और जब जबालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर ना तो उनके अजाब ही में से तकफीफ की जाएगी और ना उनको मोहलत ही दी जाएगी और जब मुशरिक अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि परवरदिगार ये वही हमारे शरीक हैं जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे तो वो उनके काम को मुस्तरद कर देंगे और उनसे कहेंगे कि तुम झूठे हो और उस दिन अल्लाह के सामने सर नगु हो जाएंगे और जो तूफान वो बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोका हम उनको अजाब पर अजाब देंगे इसलिए कि शरारत किया करते थे और उस दिन को याद करो जिस दिन हम हर उम्मत में से खुद उन पर गवाह खड़े करेंगे और ऐ पैगंबर तुमको उन लोगों पर गवाह लाएंगे और हमने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की है कि उसमें हर चीज़ का बयान मुफसिल है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत है अल्लाह इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को खर्च से मदद देने का हुक्म देता है और बेहयाई और नामाकूल कामों से और सरकशी से मना करता है और तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो और जब अल्लाह से अहद करो तो उसको पूरा करो और जब पक्की कस्में खाओ तो उनको मत तोड़ो कि तुम अल्लाह को अपना जामिन मुकर चुके हो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है और उस औरत की तरह ना होना जिसने मेहनत से तो सूत काता फिर उसको तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाला कि तुम अपनी कसमों को आपस में इस बात का जरिया बनाने लगो कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा गालिब रहे बात यह है कि अल्लाह तुम्हें इसे आजमाता है और जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो क्या के दिन उसकी हकीकत तुम पर जाहिर कर देगा और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है और जो अमल तुम करते हो उस दिन उनके बारे में तुम से ज़रूर पूछा जाएगा और अपनी कस्मों को आपस में इस बात का जरिया ना बनाओ कि लोगों के कदम जम चुकने के बाद लड़खड़ा जाएं और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोका तुमको सजा चखनी पड़े और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब मिले और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है उसको मत बेचो और इसके बदले थोड़ी सी कीमत ना लो क्योंकि ईफाई अहद का जो सिला अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाता है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी ख़त्म नहीं होगा और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे जो शख्स नेक आमाल करेगा मर्द हो या औरत और वो मोमिन भी होगा तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखरत में उनके अमाल का नहायत अच्छा सिला देंगे सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूत से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो हकीकत ये है कि जो मोमिन है और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसके रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकरर करते हैं और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं और अल्लाह जो कुछ नाजल फरमाता है उसे खूब जानता है तो काफिर कहते हैं कि तुम तो अपनी तरफ से बना लाते हो हकीकत ये है कि इनमें अक्सर नादान है कह दो कि इसको रूहलकुदुद तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से सच्चाई के साथ लेकर नाजिल हुए हैं ताकि ये कुरान मोमनों को साबित कदम रखे और हुक्म मानने वालों के लिए तो ये हिदायत और बिशारत है और हमें मालूम है कि यह कहते हैं कि इस पैगंबर को एक शख्स सिखा जाता है मगर जिसकी तरफ तालीम की नस्बत करते हैं उसकी ज़बान तो अजमी है और ये साफ़ अरबी ज़बान है जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह हिदायत नहीं देता और उनके लिए अजाब अलीम है झूठ तो वही लोग बांधा करते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते और वही झूठे हैं जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफर करे वो नहीं जो कुफर पर ज़बरदस्ती मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान के साथ मुतमिन हो बल्कि वो जो दिल से और दिल खोल कर कुफर करे तो ऐसों पर अल्लाह का गजब है और उनको बड़ा सख्त अजाब होगा ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखरत के मुकाबले में अजीज तर रखा और इसलिए कि अल्लाह काफ़िर लोगों को हिदायत नहीं देता यही लोग हैं जिनके दिलों पर और कानों पर और आँखों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है और यही गफलत में पड़े हुए हैं कुछ शक नहीं कि आखिरत में यही लोग खसारा पाने वाले होंगे फिर जिन लोगों ने ईजाई उठाने के बाद तरके वतन किया फिर जिहाद किया और साबित कदम रहे तुम्हारा परवरदिगार उनको बेशक उन आजमाइशों के बाद बख्शने वाला है रहमत करने वाला है जिस दिन हर शख्स अपनी तरफ से झगड़ा करने आएगा और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा और अल्लाह एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो कि हर तरह अमनो चैन से थी हर तरफ से उसका रिस्क बाफरागत चला आता था मगर उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की ना शुक्र की तो अल्लाह ने उनके अमाल के सबब उनको भूख और खौफ का लबास पहना कर नाशुक्री का मजा चखा दिया और उनके पास उन ही में से एक पैगंबर आया तो उन्होंने उसको झुटलाया सो उनको अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे बस अल्लाह ने जो तुमको हलाल तयब रिस्क दिया है उसे खाओ और अल्लाह की नीमतों का शुक्र भी करो अगर उसी की इबादत करते हो उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त हराम कर दिया है और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए उसको भी हाँ अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते के गुनाह करने वाला ना हो और ना हद से निकलने वाला तो अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है और यूं ही झूठ जो तुम्हारी जबान पर आ जाए मत कह दिया करो कि यह हलाल है और ये हराम है ताकि अल्लाह पर झूठ बांधने लगो जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला नहीं होगा झूठ का फ़ायदा तो थोड़ा सा है मगर उसके बदले उनको अजाब अलीम बहुत होगा और जो चीज़ें हम तुम से पहले बयान कर चुके हैं वो हमने यहूदियों पर हराम कर दी थी और हमने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे फिर जिन लोगों ने नादानी से गलत काम कर लिया फिर उसके बाद तोबा की और नेकुकार हो गए तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तोबा करने और नेकुकार हो जाने के बाद बख्शने वाला है रहमत करने वाला है बेशक इब्राहिम लोगों के इमाम और अल्लाह के फरमाबरदार बरदार थे जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरकों में से ना थे उसकी नेमतों के शुक्र गुजार थे अल्लाह ने उनको बरगजीदा किया था और अपनी सीधी राह पर चलाया था और हमने उनको दुनिया में भी खूबी दी थी और वो आख़रत में भी नेक लोगों में से होंगे फिर ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो एक तरफ के हो रहे थे और मशरकों में से ना थे हफ्ते का दिन तो इन्हीं लोगों पर मुकर किया गया था जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया और तुम्हारा परवरदिगार के आमद के दिन इनमें उन बातों का फ़ैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ़ करते थे ए पैगंबर लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रस्ते की तरफ बुलाओ और बहुत अच्छे तरीक से उनसे मनाजरा करो जो उसके रस्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है और जो रस्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है और अगर तुम इनको तकलीफ़ देनी चाहो तो इतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको इनसे पहुँची और अगर सब्र करो तो यह सबर करने वालों के लिए बहुत अच्छा है और सब्र ही करो और तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है और उनके बारे में गम ना करो और जो ये साजिशें करते हैं उससे तंग दिल ना हो कुछ शक नहीं कि जो परहेज़गार हैं और जो नेकूकार हैं अल्लाह उनका मददगार है